नमस्कार दोस्तों, मैं हुरुचि एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल टेस्ट का पिटारा में। आज हम लोग बनाएंगे अरवी की दही वाली सब्ज़ी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे घर में इसे सब बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अरवी ले ली है, उसे उबाल लिया है। अरवी लेते वक्त एक बात ध्यान रखें, अरवी वही खरीदें जो ऊपर से चिकनी दिख रही हो। अगर अरवी के ऊपर ऊपर जो इस सरफेस है उसमें गड्ढा वगैरह दिख रहा हो तो इसका मतलब वो अरवी अच्छी नहीं है, उसे ना ले, वो अच्छे से पकती नहीं है। इसलिए एकदम चिकनी वाली छिलके की अरवी ही ले, उसके बाद उसे उबाल लें। उबाल होने के बाद उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद सारे अरवी के छिलके निकाल कर हम तैयार कर लेंगे। मैंने सारी अरवी के छिलके को छील लिया है और यहाँ पर अरवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए जो बड़े साइज़ के अरवी हैं उनमें हम दो पार्ट करेंगे और जो छोटे साइज़ की अरवी हैं उन्हें मैं वैसे ही रख दूंगी, इन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बारीक हम इसे कट नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही कट करके तैयार करेंगे। सारी अरवी को हमने कट करके तैयार कर लिया है। इसके बाद एक कढ़ाई ले ली है, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। उसके बाद हम जो अरवी काट कर तैयार किए हैं उसको डाल देंगे और उसे हम तेल के साथ मीडियम आँच पर थोड़ा सा कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरबी का जो स्वाद होता है वो सरसों के तेल और अजवाइन के साथ बेस्ट जाता है, इसलिए आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई में से। सारे निकालने के बाद हम थोड़ा सा दही फेंट कर तैयार करेंगे। दही फेंटने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही ले ली है, जिसे मिक्सर ग्राइंडर में जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और ग्रेवी जब हम पकाएं तो फटे भी नहीं। दही में बेसन डालने से दही फटती नहीं है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और बेसन और दही को स्मूथ होने तक के लिए ग्राइंड करके इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जिस कढ़ाई में अरवी को फ्राई किया था वही कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे। सरसों का तेल डालकर उसे गर्म करेंगे और 1 चम्मच अजवाइन डालकर कड़कने तक के लिए पकाएंगे। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट नहीं है, थोड़ा दरदरी कुटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना आ जाए। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक के लिए। इसे फ्राई करते वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से कैरामलाइज हो जाए। नमक डालने के बाद प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे बेसिक मसाले, जैसे कि काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है ये, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें सारे बेसिक मसाले जाते हैं, कोई स्पेशल मसाला नहीं जाता है। मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले के भूनने से इसमें अच्छी सी खुशबू और सौंधापन आ जाएगा। भूनने के बाद जो हमने दही और बेसन का पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि दही जो है पकने के बाद थिक होने लगती है और इसमें बेसन भी है तो वो हो सकता है तले में लगने लगे, इसलिए इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। एक बार हल्का सा इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे, दही बेसन और ये सारे मसाले को एक साथ, तब तक के लिए जब तक के लिए हमारा जो ये मसाला है अच्छे से भून ना जाए। इसे भूनने के लिए 5-7 मिनट का समय लगेगा मीडियम आँच पर आपको, लेकिन इसे भूनना ज़रूरी है जिससे कि बेसन भी हल्का सा भून जाए, क्योंकि इसमें हमने कच्चा बेसन डाला है। उसके बाद हम इसमें अरवी डाल देंगे और उसे भी उसके साथ भूनेंगे जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है वो अरवी में थोड़ा अंदर चला जाए। अरवी और मसालों को मीडियम आंच पर भूनने के बाद 4-5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये भूनने के बाद थोड़े से सूखे हो जाएंगे और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा सूखे हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे नहीं सर्व करूँगी, लेकिन जिनको सूखा खाना है उनके लिए ये बेस्ट लगता है। मुझे यहाँ पर कई लोगों के साथ खाना है तो थोड़ी ग्रेवी चाहिए हमें, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। एकदम पतली ग्रेवी नहीं बनेगी, थोड़ी थिक ग्रेवी बनेगी। थिक ग्रेवी वैसे भी आसानी से बन जाती है, क्योंकि ये जो अरवी है ये थोड़ी सी भिंडी जैसे इसके लेस होते हैं, इससे जो ग्रेवी बनती है थोड़ी थिक हो जाती है। उसके बाद इसे हम ढक कर पकाएंगे।
यहाँ पर सब्ज़ी में हमारे उबाल आ चुका है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया ढेर सारा। हरा धनिया डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे जिससे कि जो अरबी है और जो ग्रेवी है वो सब अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और खाने में उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। ये सब्ज़ी देखने में जितनी लजीज लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं और आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये चावल के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे घर में ये सबको पसंद है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।